मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग हो रही है। शुरुआती रुझान में भोपाल, इंदौर, गुना, टीकमगढ़, मंदसौर और खजुराहो समेत भाजपा सभी 29 सीटों पर आगे है। इंदौर, बालाघाट और गुना में भाजपा की लीड 2 लाख पार कर गई। भिंड और ग्वालियर में कांग्रेस भाजपा के वोटों अंतर कम है, ऐसे में यहां कांटे की टक्कर मानी जा रही है। उधर राजगढ़ में भाजपा कैंडिडेट से पीछे चल रहे दिग्विजय सिंह ने 2 जगह काउंटिंग रुकवा दी। दोपहर होने तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि किस दल को कितनी सीटें मिल रही और कौन जीत रहा है। बीजेपी ने सभी 29 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि 27 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 6 हाई प्रोफाइल सीटों पर भाजपा को कितनी लीड रहे हैं। छिंदवाड़ा भाजपा के बंटी साहू 45,311 वोटों से आगे। मंदसौर के कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर ने काउंटिंग प्रक्रिया और ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा का सांसद जो कभी गांवों में नहीं गया है, उनका अपने कार्यकर्ताओं में ही जबरदस्त विरोध था। इसके बाद भी इतनी बड़ी लीड मिलना इस बात की ओर इशारा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम की बैटरी 98% चार्ज पाई गई है, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसकी रीडिंग की थी तब 54 से 75% तक थी। हमारे कार्यकर्ताओं ने आपत्ति भी जताई, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। रतलाम में भाजपा प्रत्याशी अनीता चौहान 142,270 वोटों से आगे चल रही हैं। अनीता को 398,549 वोट और कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया को 263,712 वोट मिले हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बोले, देश के लोग संविधान को बचाना चाहते हैं। रुझान में एनडीए और भाजपा आगे है, पर आखिरी में बदलाव होगा। मप्र में 2 सीटें ऐसी हैं, जहां कम अंतर से आगे पीछे चल रही है। राजगढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी रोडमल नागर 24,000 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह पीछे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा में भाजपा प्रत्याशी बंटी साहू 64,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। सुबह काउंटिंग सेंटर पर पहुंचे कांग्रेस कैंडिडेट नकुलनाथ कुछ समय बाद वापस लौट गए। बालाघाट में भाजपा प्रत्याशी भारती पारधी 43,551 वोटों से आगे चल रही हैं। भारती को 246,456 वोट और कांग्रेस के सम्राट सरस्वार को 202,905 वोट मिले हैं, जबकि तीसरे नंबर पर बसपा प्रत्याशी कंकर मुंजारे को 11,616 मत मिले हैं। दमोह में बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी को अब तक 206,158 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को सिर्फ 88,029 वोट मिले। बीजेपी ने 118,000 से बढ़त बनाई है। इंदौर में नोटा को 51,000 से ज्यादा वोट मिले। सुबह 10:30 बजे तक नोटा को 51,000 से ज्यादा वोट मिल चुके हैं। अब तक यह रिकॉर्ड बिहार की गोपालगंज सीट के नाम पर था। वहां 2019 में देश में सबसे ज्यादा 51,600 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बिहार की ही पश्चिमी चंपारण की सीट रही, जहां 45,637 वोट नोटा को मिले। तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ के बस्तर सीट थी, जहां 41,667 वोट नोटा में गिरे थे। भाजपा कैंडिडेट बंटी साहू से नकुलनाथ के पीछे होने पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, अब जो है सो है, हम अध्ययन करेंगे। छिंदवाड़ा से उम्मीद है, फैसला जनता के हाथ है। इंडिया गठबंधन का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, 200 से अधिक सीटों पर हम आगे चल रहे हैं। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह ने सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र की 2 ईवीएम की काउंटिंग रुकवा दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा, सील से मैच नहीं होने के कारण काउंटिंग रुकवाई गई है। खजुराहो में बीजेपी के वीडी शर्मा को अब तक सबसे बड़ी बढ़त मिली हुई है, वे 24,965 वोटों से आगे चल रहे हैं। टीकमगढ़ में भी बीजेपी के वीरेंद्र कुमार खटीक 24,136 वोटों से आगे चल रहे हैं। विदिशा में शिवराज सिंह चौहान 17,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया 12,941 वोटों से आगे चल रहे हैं।
इंदौर में नोटा ने पूरे देश का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां सुबह 10:30 बजे तक 51,000 से ज्यादा वोट मिल चुके हैं। अब तक यह रिकॉर्ड बिहार की गोपालगंज सीट के नाम पर था। वहां 2019 में देश में सबसे ज्यादा 51,600 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बिहार की ही पश्चिमी चंपारण की सीट रही, जहां 45,637 वोट नोटा को मिले। तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ के बस्तर सीट रही, जहां 41,667 वोट नोटा में गिरे थे।